अभी सड़क पर ना मैं चल रहा था, ये देखिए, ये किसी हरामी आदमी ने इसको भी बांध के रखा हुआ है। और सबसे गंदी बात क्या है, जानवर ले लेते हैं लोग, चलो ये किसी ढुलाई में काम आएगा। और ये देखिए इसका बच्चा, इसको भी गले से लगा रखी है रस्सी, और सामने से गाड़ियां आ रही हैं और ये बेचारा इधर उधर घूम रहा है। अगर ये एक्सीडेंट हो जाए कौन जिम्मेदार है? ये साले कुछ लोग समझते नहीं हैं। अभी आसपास भी कोई भी नहीं है इधर, पता नहीं किसके हैं ये बेचारे। सुबह सुबह इनको खोल देते हैं। यहाँ पर देखिए ये गाय भी है, चलता रोड है, गाड़ियाँ आ रही हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाए कुछ हो जाए, क्या इलाज किया जाए इन लोगों का कुछ नहीं पता। अब ये बच्चा दूध पी रहा अपनी माँ का, अब गले में रस्सी इतनी टाइट है ना इसकी, चाहता तो हूँ इसको खोल दूँ लेकिन ये हाथ में नहीं आ रहा। शायद मेरे साथ कोई बंदा होता तो मैं इनको दोनों को ही खोल देता कि ऐसे बंदों के सामने ये तो लायक भी नहीं है। ये पकड़ने में भी नहीं आ रहा, क्या हाल है यार लोगों का, क्या सुधरना नहीं है बहन चोद इन्होंने, कोई है भी नहीं है, पता नहीं किसका है। लोग खोल देते हैं यार, कुछ समझ नहीं है इतने प्यारे जीव को, ना तो लोग केयर कर सकते हैं ना कुछ। या तो इसको रेस्क्यू किया जाए, बनाएंगे यार कुछ लॉकडाउन के बाद कुछ ऐसा प्लान बनाएंगे कि जो सड़क पर ऐसे जानवर मिलते हैं उनको उठाकर कहीं सेव किया जाए। मैं चाहता हूँ कि इसको पकड़ के थोड़ा सा इसकी रस्सी ढीली की जाए गले की, बेचारा तकलीफ में ही है। ये देखो साला कोरोना से भी नहीं तुम सुधरे कि हम इन लोगों को तंग कर रहे हैं। थोड़ा पता करते हैं आगे जाके कि किसका है ये। क्या हाल है यार, ये सड़क पर ऐसे घूम रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाए। अब इसको भागने के लिए भी नहीं है, पीछे से कार आ रही है जैसे, या स्कूटर आ रहा है, कभी भी एक्सीडेंट की चपेट में आ सकते हैं, फिर कहते हैं ये मर गया। अभी थोड़ा पता करते हैं कि किसका है ये। कुछ दुकानदारों को पूछते हैं आसपास कि किसका है ये, देखते हैं क्या जवाब मिलता है। ये देखो ये भी किसी का डॉग है, बुल टेरियर, इसको भी सड़क पर छोड़ा हुआ है। अजी ये केदे आ गया है, ये एड़े कोड़ी है, ये केदी कोड़ी है, हाँ जी नहीं इतने मतलब लागे छागे आया कोई बंदा जेड़ा रखता है मुझे। रेड़ा नहीं चाहिए इन्हें चुका के रेस्क्यू करना। हाँ डिग गया कि एक्सीडेंट होन डे इतने, उन्हें बन्ने का बच्चा भी बन्ने का इन्नी जोर दी है गला बंद किए दा इन्होंने, है कि है लागे छागे के हो गए केड़े गुजर है नहीं माड़ा जहा कोई आइडिया दे लागे छागे के पीर बाबा पिछे कोई जनी दूर गड्डी लगी दी है ना, हां जी इन्हें वापस चल जाना। अच्छा पुल आना, पुल पुल गुजरा के घर आ। अच्छा पता करने भी देखता हूँ इनके घर जाके भी गुज्जर हैं कोई, उन्होंने छोड़े हुए हैं, अगर ये इनके हुए तो रिपोर्ट भी कराऊंगा, सालों को उठवाऊंगा भी।
गलत है ना यार, तुम जिनकी कमाई खाते हो यार उनको तुम अपने घर में नहीं पाल सकते तो क्या काम है करने का। चलो एक कट लेता हूँ, वापिस जाके देखता हूँ किसके है, पूछता हूँ जरा। केदी कोड़ी है जेड़ी? नहीं केदी कुमंडी है, किसकी है ये घूम किसकी रही है? हमारे को क्या पता, हम तो भट्टे वाले बंदे हैं। नहीं भट्टे में कितनी घोड़ी है आपके पास? नहीं हमारे पास में ट्रैक्टर है, हमारे पास ट्रैक्टर है ना, घोड़ी कोई नहीं है ना। घोड़ी कोई नहीं। तो ये गुज्जर वाला कौन सा रास्ता गया? गुज्जर वाला रास्ता गया वो जाने ना इधर जाओ। ठीक है, आपकी पक्का नहीं है? आपकी तो नहीं है ना पक्का? हमारे पास में घोड़ी नहीं। ठीक है, अभी देखते हैं इधर, पता करते हैं कि किसकी है ये घोड़ी। ये यहाँ पर किसी ने बोला कि यहाँ पर इनकी घोड़ी है, ये ही घुमा के सुबह शाम मतलब छोड़ देते हैं, या इसकी कुछ डो डवाई का वाला काम करते हैं इसके साथ। देखते हैं आगे कि किन की है, अगर इनकी भी नहीं हुई तो फिर नज़र रखेंगे आगे से। वैसे एक बार पता कर लेते हैं यहाँ पर आके, यहाँ पर भी कोई धूप छाँव कोई पेड़ कुछ नहीं, ये हो रखा हाल इनका। यह घोड़ी किसकी है सड़क पर जो घूम रही है लाल वाली? पक्का तुम्हारी नहीं है? उधर किसी ने बोला कहता तुम्हारी है, हैं? किसकी है वो? पता नहीं यार, बहुत घोड़ी है तेरे। वो जो सड़क पर घूम रही है उधर दुकानदार ने बोला कि आपकी घोड़ी है ये, अगर आपकी नहीं है तो हम उठा के लेकर जा रहे हैं, फिर ना बोलना कि उठा करके लेकर गए। एक बच्चे के साथ है ना, बच्चे के साथ लाल रंग की घोड़ी। किसकी है बेटा? हाँ किसकी है वो? हाँ काला सा बच्चा जो दुकानदार है। नहीं नहीं एक लात इधर, दो लात बनी है इसकी। किसकी है वो? लात बनी है ना फैक्ट्री के पास है, दुकानदार। किसी का काम करता है वो? दुकान करता है, तंबू लाया था, टेंट लगाया हुआ। थोड़ा आप भी इनको छांव में रखो, काम कर रहे हो ना, दूध बेच रहे हो इनका, तो इनको छांव में रखो। इतनी धूप है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, ना आपने कहीं पर पानी रखा हुआ है इनके पास? पानी कहाँ है इनका? नहीं पानी यहाँ, तो पानी के पास बांधो ना। अब पानी वो बोल के थोड़ा बताएगी कि पानी पीना है? पानी पिलाया मैं। नहीं आपने तो पिलाया इसको, थोड़ा सा धूप में चलो काम कर रहे हो ठीक है काम, लेकिन उनको पूरे दिन पानी तो चाहिए ना। धूप देखो कितनी है, 40 डिग्री टेम्परेचर है। वो देखो सारा आपने कैसे कैसे बांध के, यहाँ तो उनको खुला छोड़ दो, वो खुद ही पानी पी लेंगे। ठीक है, ये तो आगे खर्चे हैं ना, अभी लेते हैं थोड़ी देर घास खिला। नहीं कीजिए ना, आपके यहाँ पर पेड़ भी नहीं है, यहाँ तो पेड़ हो, यहाँ आपने ऐसे बनाए हो कुछ, आपने कुछ नहीं बनाया हुआ। कीजिए थोड़ा सा कीजिए, एक हफ्ते के बाद फिर चक्कर मारूंगा, थोड़ी दुर्दशा ठीक कीजिए जानवर की। अगर वो घोड़ी आपकी है तो ले आइए उसको, सड़क पर ना छोड़िए, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। वो बेचारी को बांध के आपने, है तो आपकी है, चलो मुकर के कोई बात नहीं, हफ्ते के बाद आऊँगा, वो घोड़ी दिखनी नहीं चाहिए सड़क पर। ठीक है, इधर उधर नाम ना लगाइए किसी का भी, हम ये नहीं कह रहे कि उसको लेकर जाएंगे, आपका भी चलो व्यापार है, आप पैसे कमाते हो, लेकिन कुछ जानवर आप सड़क पर छोड़ते हो वो काम ना कीजिए। ठीक है ना, भगवान ने इनको भी सांस दी है, आपको केले को तो दी नहीं है। ठीक है, पैसे के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसको कीजिए। और ये देखिए, ये जितना भी आपने एक छांव के नीचे रखे हुए हैं वो भी बांध के रखे हुए हैं, थोड़ा इनको भी कीजिए कुछ पैसा। अगर 20% आप कमाते हो, 80% इनके ऊपर लगाइए। वो घोड़ी भी लेकर आइए बच्चे के साथ, ठीक है, जाइए और लेकर आइए। वो हमारी नहीं है सर। चलो आपकी नहीं है, आप कीजिए जिसकी भी है, आपके डेरे में ही है किसी की, जो भी है कश्मीरी है चाहे जो भी है, एक बार उसको फोन करके बोल दीजिए, नहीं तो अगली बार वो दिखी तो हम ले जाएंगे उसको। वो अभी आप बोलोगे या नहीं बोलोगे? पक्का बोलोगे? और इनके लिए पानी का इंतजाम या छांव का इंतजाम कौन करेगा? करोगे आप? ठीक है, हफ्ते के बाद चक्कर मारूंगा इधर, ठीक है, अगर कुछ गलत दिखा तो लेकर भी जाएंगे। ठीक है, छांव में कीजिए। उठिए उठिए सारे, उठिए उठिए, ये काम नहीं है। यहाँ पर आप आराम से छांव में बैठे हो तो आपके ये जानवर यार आपके बच्चे ही हैं, जो कमाई दे रहा है वो बच्चों से भी ऊपर है ना। वो कश्मीरी को भी बोलिए वो घोड़ी अपनी उठा के लाए,
ठीक है, अगली बार कहीं भी दिखी वो घोड़ी या बच्चों के साथ, बांध के नहीं छोड़नी या खुली छोड़ दो, अगली जहां मर्जी जाए जो उसको, ना वो खा सकते हैं, इतनी जोर से उसका गला बंद किया हुआ है। कीजिए उसको, कश्मीरी को भी फोन कीजिए। हैं, आप बांधी हुई है वो, पूरी पैर बांधे हुए हैं उसके, ना वो इधर उधर भाग सकती है ना कुछ, सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए कौन जिम्मेदार है उसका, आप तो घर में बैठे हो। कीजिए उसको, कश्मीरी को भी फोन कीजिए, नहीं तो हफ्ते के बाद मैं पूरी टीम लेकर आऊँगा इधर। अगर इनको भी आपने छाँव छूनी दी तो पूरी टीम ले आऊँगा, सारे वो उठा लूँगा यहाँ से, ठीक है। कीजिए थोड़ा सा, देखिए आपने घास भी नहीं है, कुछ खाने को भी नहीं है, ना पानी पीने को है, क्या यार हाल। बेटा कीजिए इसको, छाँव में कीजिए कहीं। डंडे से क्यों मार रहा है, वैसे उठ जाएगी यार। दो पानी पुनी दो इसको, ये हाल है यार दोस्तों। घोड़ी भी इनकी है, यहाँ पर मर्जी चल रहा, सूखी घास चल रही है, शाम को दूध चाहिए इनको बस। वो भी एक डेरा है वहाँ पर, चलो वो तो छाँव दी हुई है, इन्होंने तो बिल्कुल ही नहीं बनाया हुआ कुछ भी, क्या हाल है यार। चलो दोस्तों शेयर कर देना ताकि ऐसे लोग सुधर सकें जो सड़कों पर जानवर अपने छोड़ते हैं।